प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे उमा भारती से छीनकर नितिन गडकरी को दे दिया है। आरोप है कि उमा भारती ने कोई खास काम नहीं किया। गो न्यूज की टीम ने गंगा की सफाई से जुड़े कुछ आंकड़े निकाले हैं, आइए एक नजर डालते हैं। 2014 में उमा भारती को जब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो उन्हें एक अहम काम सौंपा गया। काम था गंगा की सफाई का, नाम रखा गया नमामि गंगे। जून 2014 में काम शुरू हो गया। मार्च 2017 आते आते 20,000 करोड़ रुपए में से 7,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर गंगा मैली की मैली रही। अब बाकी बचे पैसे नितिन गडकरी खर्च करेंगे। ये बजट 2019 तक का है। अब देखना यह है कि ये पैसा उनके लिए कम पड़ता है या ज्यादा। करीब 2,525 किलोमीटर लंबी गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर निकलती है। रास्ते में कुल 147 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2016 की रिपोर्ट पर नजर डालें तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए गंगा में 144 बड़े नाले गिरते हैं, यानी रोजाना 66,150 लाख लीटर सुएज का पानी गंगा में मिल जाता है। अब आपको बताते हैं कि 7,500 करोड़ रुपए में उमा भारती ने क्या काम करवाया है। गंगा के किनारे अब तक 11 लाख शौचालय बनवाए जा चुके हैं, जिसके लिए 263 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के साथ मिलकर एक साल के अंदर 100 शमशान बनाने की योजना है। इसके अलावा 31 जुलाई को सुएज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और घाटों का निर्माण करने के लिए कुल 425 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए 3 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी कुल क्षमता 290 लाख लीटर है, उसको अप्रूवल मिल चुका है। पिछले 3 साल में कुल 163 प्रोजेक्ट्स जिसमें सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है उन्हें अप्रूवल मिला, लेकिन कुल 41 प्रोजेक्ट्स ही अब तक पूरे किए जा सके हैं, यानी 3 साल में सिर्फ 1/4 काम हुआ है। इसके अलावा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर गंगा और यमुना के पानी की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर गंगा और यमुना मौजूद है, जो कि 10 स्टेशन से नदी के पानी की क्वालिटी बताता है, लेकिन कोई भी डेटा 2014 के बाद नहीं डाला गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस साल 13 जुलाई को सरकार को फटकार लगाई थी और पूछा था कि करीब 7,000 रुपए से ज्यादा खर्च होने के बावजूद गंगा नदी साफ क्यों नहीं की जा सकी है। पिछले 3 साल में 4,031.41 किलोमीटर में से 1,114.75 किलोमीटर लंबा सुएज नेटवर्क बनाया जा सका है और 86 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से सिर्फ 35 ही पूरे किए जा सके हैं। जाहिर है गंगा के पानी को साफ करने पर सरकारी खजाने से पैसा बहाने से पहले लाखों टन गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकना होगा और ये नए मंत्री नितिन गडकरी के लिए बड़ी चुनौती होगी। नमिता सिंह की रिपोर्ट, गो न्यूज़।